हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन और पूरी मेहनत और लगन के साथ आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मॉक टेस्ट 5, जो टेस्ट सीरीज द मंजिल भारत ऐप पे जेकेपी कांस्टेबल के लिए अवेलेबल थी। उसमें जो टेस्ट नंबर 5 था उसका एनालिसिस आज हम करेंगे। सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एक्सेप्ट रीजनिंग। जीके के भी क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश के भी क्वेश्चंस होंगे, कंप्यूटर के भी, जो सब आपको टेस्ट नंबर 5 में मिले थे जेकेपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इंग्लिश से। एंड ये पूछता है कि नो जूलॉजिस्ट डैश एबल टू कीप अ गोरिल्ला अंडर क्लोज ऑब्जर्वेशन इन द डार्क जंगल इन विच ही डैश। कोई भी जूलॉजिस्ट गोरिल्ला पे क्लोज ऑब्जर्वेशन नहीं रख सकता उन जंगलों में, उन घने जंगलों में, डार्क जंगल में जहां पे वो रहते हैं। सो सही ऑप्शन क्या होगा? वॉज लिव्ड, विल लिव, हैड बीन, हैज लिव्ड, इज हैड बीन लिविंग। सो नो जूलॉजिस्ट सही ऑप्शन होगा। नो जूलॉजिस्ट इज एबल टू कीप अ गोरिल्ला अंडर क्लोज ऑब्जर्वेशन इन द डार्क जंगल इन विच ही हैड बीन लिविंग, जहां पे वो रह रहा है। ठीक हैड बीन लिविंग, ठीक है। तो जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ये बात हो रही है कि वो रहता आ रहा है, आज ही नहीं रह रहा है वो कॉन्टिन्यूटी में, उसको काफी देर हो गया वहां रहते हुए। और कोई भी जूलॉजिस्ट प्रेजेंटली उस पर नजर नहीं रख सकता। तो प्रेजेंट की बात हो रही है, तो वॉज तो इसमें होगा नहीं, फ्यूचर की भी बात नहीं हो रही, ठीक है, हम आज की बात कर रहे हैं, नहीं रख सकता। ठीक है, तो यहां पर तो दोनों जगह पर ही पास्ट परफेक्ट है, तो दिस विल ऑल्सो बी एलिमिनेटेड। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When you arrive at the place, you dash by our men, they will take you to the exact place. जब आप उस location पे पहुंचेंगे, हमारे आदमी आपको मिलेंगे जो exact place पे आपको ले जाएंगे। Will meet, are met, will be met, none of the above. So मैंने आपको कहा है elimination से आप सही answer पे पहुंचे, तो are met तो नहीं हो सकता। When you arrive at the place, you are met by our men. This is not correct. आप मिलेंगे जब आप वहां पहुंचेंगे, ठीक है। यू अराइव एट द प्लेस, जब आप वहां पहुंचेंगे आप मिलेंगे, इसी तरह से हम बात करते हैं। तो सेकेंड सेंटेंस विल बी इन द फ्यूचर टेंस। सो सही ऑप्शन क्या होगा? विल बी मेट बाय अवर, क्योंकि हमारे आदमियों के द्वारा बाय का यूज हो रहा है, इसलिए सही हो जाएगा विल बी मेट। ठीक, नेक्स्ट इज सिनोनिम ऑफ मेयर। मेयर का मतलब होता है सिर्फ, ठीक है। मेयर का सिनोनिम, सेम मीनिंग आपको बताना है। सम, एम्प्टी, ओनली, कंप्लीट। कंप्लीट तो नहीं हो सकता, कंप्लीट का मतलब होता है पूरा, यहां हम सिर्फ की बात कर रहे हैं। एम्प्टी तो खाली, दिस इज ऑल्सो नॉट अ एग्जैक्ट सिनोनिम। सम का मतलब कुछ, है ना, कुछ अमाउंट। सो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? ओनली, सिर्फ। मेयर एंड ओनली आर सेम। सिनोनिम ऑफ सीवियर। सीवियर मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा। सीवियरिटी, जैसे सीवियर पेन है, सीवियर हेडेक है, उसका सिनोनिम। रिजिड, अग्रेसिव, ऑफेंसिव, सिकनिंग। मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर आप देखें तो यहां पे ये रिजिड इसका ऑप्शन जो है वो बनता है। अग्रेसिव की बात करें तो वो मोस्टली इमोशनली, इमोशंस के साथ कनेक्ट है, कि जब कोई बहुत ज्यादा अग्रेसिव, बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहा है। ऑफेंसिव का मतलब होता है अनप्लीजेंट, ठीक है, कोई अनप्लीजेंट बात की, पर्सन ऑफेंड हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ऑफेंसिव। सिकनिंग डिजीज से रिलेटेड है। जब हम सीवियर की बात करते हैं तो सिवियरिटी आप कहीं की भी बात कर सकते हैं, वो इमोशंस में सिवियरिटी हो, डिजीज में हो, किसी भी चीज में इस वर्ड का यूज किया जा सकता है। तो सीवियर के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम होगा रिजिड, ठीक है। लास्ट नाइट आई डैश यू बट द फोन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। रात को मैंने तुम्हें फोन किया, मैंने तुम्हें फोन करना था बट द फोन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। तो इसके लिए एग्जैक्ट मीनिंग जो ऑप्शन है वो क्या होगा? वुड फोन, फोन्ड, वर गोइंग टू फोन, डिड फोन। तो इसका एग्जैक्ट होगा फोन्ड। ऑल्दो आपको ये लगेगा कि फोन्ड कोई टर्म नहीं है, कॉमनली हम यूज नहीं करते, बट द फोन्ड इज द वर्ब। फोन्ड का मतलब होता है किसी को फोन के थ्रू कम्युनिकेट करना, वाया फोन आप कम्युनिकेट करते हैं। तो यहां पे भी यही बात हो रही है कि मैंने तुम्हें फोन किया होता, फोन करना था बट द फोन वॉज नॉट वर्किंग, द फोन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। डैश लाइट कम्स फ्रॉम द सन, इसमें कौन सा आर्टिकल होगा? अ लाइट कम्स फ्रॉम द सन, एन लाइट कम्स फ्रॉम द सन, द लाइट कम्स फ्रॉम द सन, नो लाइट कम्स फ्रॉम द सन। सो पहले और दो तो हम पहले ही एलिमिनेट कर सकते हैं, अ लाइट नहीं होगा, एन तो हो ही नहीं सकता बिकॉज वॉवल नहीं है। अब द और नो आर्टिकल में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सो लाइट क्या है? लाइट अनकाउंटेबल नाउन है, आप उसे गिन नहीं सकते, है ना। अमाउंट है, सम आप बोल सकते हैं, वैल्यूज आप बोल सकते हैं, ज्यादा कम, ठीक है, उस वे में आप बोल सकते हैं, बट नंबरिंग में आप उसे काउंट नहीं कर सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ मोस्टली इट इज यूज नो आर्टिकल, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। डैश यू एन ऑफिशियल,
greeted the people on dash occasion of Diwali. Diwali भी एक specific occasion है और UN official भी specific है. तो दोनों में क्या use होगा? The and the. The UN official greeted the people on the occasion of Diwali. We dash off cold clothes and bought new ones on Diwali. For Diwali, हम पुराने कपड़े दे देते हैं और नए कपड़े लेके आते हैं दिवाली के लिए. Cost का मतलब होता है कीमत, नहीं हो सकता. Coast का मतलब होता है किनारा, नहीं हो सकता. एक है caste, that is for जाति, जो हम बोलते हैं casteism, caste. तो यहां पर मतलब है old clothes का दे देना. So that is called caste. ठीक है. We cast off old clothes and bought new ones for Diwali. यहां आपको होमोनिम आइडेंटिफाई करना है. होमोनिम मीन्स वो वर्ड जिसकी प्रोनंसिएशन स्पेलिंग ऑलमोस्ट सेम हो बट उसका मीनिंग डिफरेंट हो. तो वर्ड है एक्सेप्ट. एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना. सो उसका एग्जैक्ट आप एक तरह से होमोनिम बताएं क्या होगा? असेंट, एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट या एक्सपर्ट. सो द होमोनिम इज एक्सेप्ट. एक्सेप्ट मतलब बिना उसके. आई लाइक ऑल द फ्रूट एक्सेप्ट एप्पल, एक्सेप्ट बनाना. ठीक है. तो बिना सिवाय उसके बाकी सब पसंद है सिवाय उसके. और एक्सेप्ट का क्या मतलब होता है? स्वीकार करना. ठीक है. तो दोनों मीनिंग डिफरेंट है बट प्रोनंसिएशन में एक्सेप्ट एक्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम साउंड करते हैं. असेंट का मतलब होता है किसी को स्वीकृति देना अपनी. ठीक है. एक्सपेक्ट किसी से उम्मीद लगाना और एक्सपर्ट जिसकी जिसके पास कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से लेकर उस पर्टिकुलर आप एक तरह से कहें सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हो. मोस्ट पीपल प्रेफर टेकिंग डैश अ हॉबी टू रिलीव स्ट्रेस. Taking in a hobby, taking up a hobby, taking at a hobby, taking to a hobby. So, at और in तो नहीं होगा. ठीक है. Preposition ये दोनों words तो नहीं होंगे. ठीक है. In की जरूरत हम करते हैं जब उस चीज के बीच में हो. At, over. So, यहां पर क्या बात हो रही है? Hobby को रखना. So, exact preposition will be taking up a hobby. I come to live here. In 2001, at 2001, by 2001, on 2001. मैं यहां पर आया 2001 में रहने आया. 2001 में रहने आया. So, कौन सा preposition होगा? In. I come to live here in 2001. So, that was question number 11. Question number 12 की तरफ बढ़ते हैं. Our teacher teaches mathematics dash English. हमारे teacher mathematics के साथ English भी पढ़ाते हैं. Across, besides, beside, both. ठीक है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा besides. हमारे टीचर मैथमेटिक्स के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ाते हैं. besides, ये जो beside है दूसरा वर्ड, इसका मतलब होता है किसी के साथ बैठना, किसी के इन द क्लोज विसिनिटी किसी के साथ बैठना. ठीक है ना. beside. सो ये हो गया वो beside. और यहां पर है उसके साथ साथ वो पढ़ाना. मैथमेटिक्स besides इंग्लिश, इंग्लिश के साथ साथ वो मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं. So, सही होगा हमारा besides, not beside. Choose the correct statement. I'll write a letter when I will reach Mumbai. I'll write a letter when I reach Mumbai. I'll write a letter as I reach Mumbai. I'll write a letter when I shall reach Mumbai. ठीक है. So, सही option क्या होगा कि जब मैं मुंबई पहुंचूंगा मैं आपको letter लिखूंगा. When I reach Mumbai. I'll write a letter when I reach Mumbai. मैं letter लिखूंगा जब मैं Mumbai पहुंचूंगा. ठीक है. तो दो बार जो है future का be verb जो है वो use नहीं होगा. यहाँ पे भी दो बार use हो रहा है will and shall. यहाँ पे भी दो बार use हो रहा है will and will. तो ये दोनों eliminate हो जाएंगे. ठीक है. और यहाँ पे हो रहा है as. तो जब place की है उसके लिए most appropriate आप कहें pronoun. तो that is when. तो यहाँ क्या आएगा? I'll write a letter when I reach Mumbai. यहां पे आपको एडजेक्टिव क्लॉज बताना है. द क्रिकेट बैट डैश इज माइन. ठीक है. द क्रिकेट बैट विद अ ब्रोकन हैंडल, द क्रिकेट बैट विच हैज अ ब्रोकन हैंडल, द क्रिकेट बैट एंड अ ब्रोकन हैंडल, द क्रिकेट बैट विद अ ब्रोक हैंडल. तो ब्रोक तो नहीं होगा हम बात कर रहे हैं. तो सेकेंड वर्ब तो यूज नहीं होगी यहां पे. देयर विल बी यूज अ थर्ड वर्ब ऑफ थर्ड वर्ब यूज होगी. द थर्ड फॉर्म ऑफ जो है ब्रेक यूज होगा. ठीक है. सो विद अ ब्रोक हैंडल तो नहीं होगा. सेकंड है एंड अ ब्रोकन हैंडल, क्रिकेट बैट एंड अ ब्रोकन हैंडल. ठीक है. दिस विल आल्सो बी एलिमिनेटेड. यहां उस क्रिकेट बैट की बात हो रही है जिसका हैंडल जो है टूटा हुआ है. उसके साथ एक एक्स्ट्रा हैंडल नहीं आया जो टूटा है बल्कि उस बैट का हैंडल टूटा है. सो ये दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं. अब विद अ ब्रोकन हैंडल या विच हैज अ ब्रोकन हैंडल. ठीक है. सो मोस्ट अप्रोप्रिएट इज एडजेक्टिव क्लॉज विद अ ब्रोकन हैंडल. वो बैट
जो कि टूटे हुए हैंडल के साथ है, वो मेरा है विद अ ब्रोकन हैंडल। एंटोनिम आपको बताना है ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस का क्या मतलब होता है? ग्रिगेरियस हम उस पर्सन के लिए यूज करते हैं जो बहुत सोशल हो, जिसको मिलना जुलना, लोगों के साथ उठना बैठना बहुत पसंद हो। इसका एंटोनिम सॉलिटरी, प्लेसिड, ग्रीडी, एब्सर्ड। ठीक है, तो आपको इसका एंटोनिम बताना है, ग्रिगेरियस का एंटोनिम क्या होगा। सो सॉलिटरी का क्या मतलब होता है? जो पर्सन एकांत में रहना पसंद करता है, ठीक है, एकांत में, सॉलिटरी। प्लेसिड का भी मतलब वही होता है, प्लेसिड का मतलब होता है जो पर्सन काम हो, बहुत जल्दी एक्साइटेड ना हो, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट विल बी सॉलिटरी। ठीक है, ग्रिगेरियस हो गया सोशली, और सॉलिटरी मतलब एकांत में रहना। प्लेसिड का मतलब एकांत या सोशली से नहीं है, उसका ये है कि वो पर्सन जो बहुत काम रहे और एक्साइटेड ना हो बहुत जल्दी। ठीक है, और ग्रीडी का मतलब लालच, और एब्सर्ड आप कहें एक तरह से सेंसलेस। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का एंटोनिम, मॉडेस्ट मतलब वो पर्सन जो अपनी क्वालिटीज के बारे में ज्यादा बात नहीं करता, अपनी तारीफ ज्यादा नहीं करता। अनहैप्पी, कंसीटेड, सलन या ग्लम। सो मोस्ट जो मॉडेस्ट है उसका एंटोनिम विल बी कंसीटेड। कंसीटेड मीन अ पर्सन जो इगोइस्टिक हो, घमंडी हो, अहंकारी हो, अपने बहुत ज्यादा तारीफ करे, अपने बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बात करे, सो दैट इज कॉल्ड कंसीटेड। सो मॉडेस्ट का एंटोनिम विल बी कंसीटेड। ओके, ये सेम हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कंप्यूटर सेक्शन। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर सेक्शन का, सर्च इंजन आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं है, गूगल, यंडेक्स, बिंग या जीमेल। सो जीमेल इज नॉट अ सर्च इंजन, है ना। जीमेल क्या है? हमारा ईमेल बॉक्स हम बनाते हैं उसमें, ठीक है, ईमेल आईडी, सो ईमेल सर्वर की तरह यूज होता है। सो जीमेल इज नॉट अ सर्च इंजन। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, कन्वर्जन, एनक्रिप्शन। सो इट इज कॉल्ड एनक्रिप्शन। ठीक है, एनक्रिप्शन इज द करेक्ट आंसर। अनसॉलिसिटेड इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सेंड फॉर मार्केटिंग पर्पज आर कॉल्ड। मार्केटिंग पर्पजेस के लिए जो बहुत सारे ईमेल्स आपको आते हैं, प्रमोशनल ईमेल्स आते हैं, आप अपने ईमेल आईडी में देखते होंगे बहुत ज्यादा, जिस तरह से कॉल्स भी आती हैं, वॉइस कॉल्स भी आती हैं, उन सबको क्या कहते हैं? वायरस, अनजिप, स्पैम या URL। सो अनसॉलिसिटेड इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस को कहते हैं स्पैम। ऑल दीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पैम। Which type of virus attaches with the executive file and will result infecting executive file attacks other execution files and infects them? So, ऐसा virus जो एक executable file के साथ attach होता है, जब आप उसे open करते हैं, वो उस file को तो affect करता ही है, साथ में बाकी और बहुत सारी फाइलों को affect करता है, उसे क्या कहते हैं? Parasitic virus, boot sector virus, stealth virus, memory resident virus. So, जिस तरह से एक पैरासाइट होता है ना, जो एक जगह पे इन्फेक्शन करता है और उसको फिर फैलाता है लार्ज स्केल पर, सिमिलरली इज डन बाय दिस टाइप ऑफ वायरस। तो इसीलिए इसे कहा जाता है पैरासिटिक वायरस। एक फाइल के साथ अटैच होगा, जैसे वो फाइल ओपन करेंगे उसे तो इन्फेक्ट करेगा ही, वो बाकी फाइलों को भी अटैक करेगा। ठीक है, अदर एग्जीक्यूटिव फाइल्स को भी अटैक करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। ठीक है, पेज ऐसे है कि यहां है लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। सो पेज ओरिएंटेशन का आपको बताना है। सो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, दैट इज लैंडस्केप। ये हमने बहुत बार सॉल्व किया है। ठीक है, सो लैंडस्केप, और दूसरा क्या होता है पेज ओरिएंटेशन? पोर्ट्रेट। ठीक है, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट कि आप लेटर्स को लोअर लेवल पे या उसके अपर पोर्शन पे आप लिख रहे हैं, दैट इज सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। इन MS Excel विच शॉर्टकट की कैन बी यूज्ड टू क्रिएट फॉर्मूला टू सम ऑल ऑफ द सेल। तो आपको सभी सेल्स में जो भी इन्फो लिखी है उसे सम कर रहा है, उसके लिए आप कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं? सो शॉर्टकट की इज यूज, दैट इज ऑल्ट प्लस इज इक्वल्स टू। MS Excel में ये यूज किया जाता है जब आपको सभी सेल्स के कंटेंट को जो है वो सम करना है। नेक्स्ट, प्रेस डैश टू ओपन द हेल्प विंडो इन द MS Word डॉक्यूमेंट। MS Word डॉक्यूमेंट में हेल्प विंडो को ओपन करने के लिए आप क्या प्रेस करते हैं, ये आपको बताना है। F1, F2, F9 या फिर F11। सो हेल्प विंडो को ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट की आप यूज करते हैं, जो फंक्शनल की आप यूज करते हैं, दैट इज F1। ठीक है, F1 यूज होता है।
F1, F2 का कुछ स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता, और F11 की बात करें तो वो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जंप करने के लिए यूज किया जाता है F11। द नेम ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट डिस्प्ले इन, जिस भी डॉक्यूमेंट पे MS वर्ड में जब आप अपने डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं तो उसका जो नाम है वो कहां पे अपीयर होगा, रिबन पे, टाइटल बार पे, स्टेटस बार पे या होम टैब में। रिबन तो कलेक्शन ऑफ वेरियस टैब्स होता है, ठीक है, वहां पे होम टैब भी होगा, इंसर्ट, सब सारे ऑप्शंस जो है वो रिबन में दिखते हैं, होम टैब भी उसी में आ जाता है। होम टैब में आपको फॉन्ट चेंज करना है, साइज चेंज करना है, उस सब के ऑप्शंस आपको वहां मिलते हैं। एक होता है स्टेटस बार और एक होता है टाइटल बार। सो जो आप वो डॉक्यूमेंट जिस पे आप काम कर रहे हैं उसका नाम आपको कहां मिलेगा, दैट विल बी इन द टाइटल बार, ठीक है, कहां होगा, टाइटल बार में। द नंबर ऑफ फंक्शनल की इन अ कीबोर्ड, एक कीबोर्ड में कितनी फंक्शनल की होती है, 14, 12, 13 या 15। सो वेरी इजी क्वेश्चन एंड दैट इज 12, 12 फंक्शनल कीज, ठीक है, कीबोर्ड आप ऊपर देख सकते हैं F1 से लेकर F12 तक की फंक्शनल कीज उसमें होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रुपी, जैसा रुपी इंडिया के लिए है तो येन किसके लिए है, टर्की, बांग्लादेश, जापान या पाकिस्तान। तो रुपी इज द करेंसी ऑफ इंडिया एंड येन इज द करेंसी ऑफ जापान। बांग्लादेश की क्या है, टका है, ठीक है, टका है बांग्लादेश की। और टर्की की आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, एग्जाम आपका कल है तो आई होप अभी तक आपको ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो भी न्यूज में रहे हैं कंट्रीज एटलीस्ट उनकी करेंसीज तो आपको पता होंगी। और पाकिस्तान की बात करें तो दैट इज ऑल्सो अ पाकिस्तानी रुपी। ओके, कम्युनिकेबल डिजीज मलेरिया, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जाम्पल है मलेरिया। सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का क्या है, टीबी, हेपेटाइटिस, एड्स, कैंसर। एड्स कम्युनिकेबल है, हम जानते हैं इन्फेक्टेड जो है सिरिंजेस उनसे भी होता है। ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो यस दैट इज ऑल्सो। हेपेटाइटिस की बात करें तो सभी कम्युनिकेबल नहीं है, लेकिन हाँ हेपेटाइटिस ए की अगर हम बात करते हैं, बी की अगर हम बात करते हैं तो वो स्प्रेड होता है, वो कम्युनिकेबल है। बट कैंसर इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, वो एक से दूसरे की तरफ नहीं फैलता। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। व्हाट वुड द करेक्ट प्रोनाउन, अगेन अ क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश, दैट इज व्हाट वुड बी द करेक्ट प्रोनाउन, लुक आउटसाइड, डैश इज माय कार पार्क्ड ओवर देयर, द ग्रे वन, बाहर देखो वहां मेरी कार है जो कि ग्रे कलर की है, ठीक है। सो वहां की बात हो रही है, लुक आउटसाइड, बाहर देखो वहां मेरी कार, तो दिस का मतलब हुआ जो चीज आपके क्लोज है, पास है, तो दिस आप यूज करते हैं। दैट दोस्त तो आप प्लूरल के लिए यूज करेंगे, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, देयर भी नहीं हो सकता। सो एग्जैक्ट वर्ड क्या हो जाएगा, दैट, सही वर्ड क्या होगा, दैट, दिस नहीं होगा, बाहर देखने की, दूर खड़ी है कार, सो दैट इज दैट, दैट इज माई कार पार्क्ड ओवर देयर, ठीक है, देयर की बात हो रही है, इट मीन्स दूर है, तो उसके लिए वर्ड यूज होगा दैट। जॉन इज माई फ्रेंड, आई गेव डैश माई बुक्स, आई गेव हिम माई बुक्स, आई गेव इट माई बुक्स, आई गिव दे माई बुक, आई गेव हिज माई बुक्स। सो दे प्लूरल के लिए हो रहा है, जॉन एक सिंगल है, वर्ड नहीं हो सकता। इट जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, यहां जॉन की बात हो रही है, लिविंग है उसके लिए यूज नहीं होगा, मेल है, ठीक है, तो क्या यूज होगा, हिम या हिज। सो वर्ड है एग्जैक्ट, दैट इज हिम, आई गेव हिम माई बुक्स, मैंने उसे अपनी किताबें दी। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट यूज गिवन आइटम करेक्टली, जहां पे सही आइटम, इस जो आइटम दिया गया है, अ डाइम अ डजन, ठीक है, अ डाइम अ डजन, मतलब ऐसी बात जिसका कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। हर आइडियाज वर वर्थ अ डाइम अ डजन एंड डिडंट इंप्रेस द बॉस। जस्ट अ सेक, ओके, क्वेश्चन नंबर 30, यस, ओके, क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन नंबर 1 इज हर आइडियाज वर वर्थ अ डाइम अ डजन एंड डिडंट इंप्रेस द बॉस। द कंसर्ट टिकट्स वर अ डायमंड डजन, मैंने आपको बताया, जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि उसका जो आइडिया था वो डायमंड डजन था, बहुत ज्यादा वैल्यू का नहीं था, उसे बॉस, उस आइडिया ने बॉस को इंप्रेस नहीं किया। दूसरा कह रहे हैं कि जो कॉन्सर्ट की टिकट्स हैं वो डायमंड डजन के बराबर है। भाई कॉन्सर्ट की टिकट्स तो बहुत मुश्किल से मिलती है कॉन्सर्ट्स, ठीक है, तो वो तो नहीं हो सकता। द रेस्टोरेंट हैज सम डिलीशियस डेजर्ट, डिलीशियस डेजर्ट्स की बात हो रही है, जो बहुत स्वादिष्ट मिठाइयां हैं या आप कहें मिष्ठान है, उनकी बात की जा रही है, वो डायमंड डजन होंगे। एक तो डिलीशियस कह रहे हैं और दूसरा डायमंड डजन कह रहे हैं, तो इसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा। एंटीक स्टोर, एंटीक स्टोर का मतलब होता है वहां जहां पे बहुत ही पुरातन चीजें मिलती है ना, जिसकी बहुत ही ज्यादा वैल्यू होती है, ठीक है, उनकी बात हो रही है, वो डायमंड डजन है, तो ये भी नहीं हो रहा। एंटीक चीजों की तो वैसे बहुत वैल्यू होती है, ठीक है, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो सही क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह से ना आप एलिमिनेट करते हुए ना सही ऑप्शन पे आसानी से पहुंच सकते हैं, अगर आपको जो है आइडिया नहीं लग रहा है कि क्या इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. टू पिक होल्स, टू पिक होल्स, पिक होल्स का मतलब किसी में कुछ खामियां निकालना, ठीक है, किसी में कुछ खामियां निकालना. टू फाइंड सम रीजन टू क्वेरल, ठीक है, यहां पे तो हो रहा है कि लड़ाई के लिए कोई रीजन निकालना. टू डिस्ट्रॉय समथिंग, टू क्रिटिसाइज समवन, टू कट सम पार्ट ऑफ एन आइटम. तो मैंने आपको क्या बताया, टू पिक अ होल्स मतलब किसी में खामियां निकालना, तो मतलब उसका हुआ टू क्रिटिसाइज समवन. चूज द ऑप्शन विद द एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन. अब आपको पंक्चुएशन सही, जो फुल स्टॉप होता है, इन्वर्टेड कोमा होता है, सेमीकोलन होता है, उन सबको आपको देखना है कि सही कहां यूज हुआ है. क्या स्टेटमेंट है, यू नीड थ्री डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आपको तीन डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है, सेमीकोलन आ गया, योर पासपोर्ट कोमा, योर ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद कोमा नहीं आएगा, एंड अ बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, ऐसे होगा. अब देखिए पहला स्टेटमेंट देखिए, यहां पर योर पासपोर्ट और योर ड्राइविंग के बीच में तो कॉमा है ही नहीं, तीन चीजों की बात हो रही है ना, तो जब हम मल्टीपल चीजों की बात करते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं विद अ कॉमा, तो यहां पर कॉमा नहीं है, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है. यहां आ रहा है यू नीड थ्री डॉक्यूमेंट, योर पासपोर्ट, योर ड्राइविंग लाइसेंस, इनके बीच में कॉमा नहीं है, कॉमा किसके बीच में, एंड के बीच में, एंड के बीच में नहीं आता है, ठीक है, जब एंड आ गया तो फिर कॉमा की जरूरत नहीं, ये भी एलिमिनेट हो गया. नेक्स्ट है यू नीड थ्री डॉक्यूमेंट्स, योर पासपोर्ट, योर ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद फुल स्टॉप आ रहा है. फुल स्टॉप का क्या मतलब है, स्टेटमेंट वहां पे एंड, और वहां पे फिर उसके आगे एंड से स्टार्ट हो रही है स्टेटमेंट विद अ स्मॉल लेटर, तो ये भी एलिमिनेट हो गया. सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थ्री, यू नीड थ्री डॉक्यूमेंट्स, योर पासपोर्ट, योर ड्राइविंग लाइसेंस एंड अ बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, एंड अ बैंक स्टेटमेंट, सही है. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. सेलेक्ट द ऑप्शन विच पंक्चुएट्स द बिलो सेंटेंस करेक्टली. आई एम लुकिंग फॉर द की शी सेड, मैं उस चाबियों को ढूंढ रहा है जिसके बारे में उसने कहा. आई एम लुकिंग फॉर द की शी सेड, ठीक है, तो ये आई एम लुकिंग फॉर द कीज, शी सेड, उसने कहा, मैंने इसे गलत इंटरप्रेट किया. स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि आई एम लुकिंग फॉर द की शी सेड, उसने कहा कि वो कीज को ढूंढ रही है. सो ये जो स्टेटमेंट है ये उसने कहा है, तो ये इन्वर्टेड कॉमास में आएगी, ठीक है. आई एम लुकिंग फॉर द कीज शी सेड, तो ये पूरी स्टेटमेंट जो है इन्वर्टेड कॉमा में आएगी. तो कहां पर है इन्वर्टेड कॉमास में, एक तो यहां पर और एक यहां पर, ठीक है, बट यहां पर तीन जगहों पर है ये सेम सेम स्टेटमेंट लिख दी गई है. ऑलमोस्ट आई थिंक ये और ये बिल्कुल सेम है, ठीक है, ये और ये बिल्कुल सेम है, ठीक है. सो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, जस्ट अ सेक, दो ऑप्शन एकदम सेम आ गए. सो इन्वर्टेड कोमा में आएगा, ये भी इन्वर्टेड कोमा में है, और दिस इज ऑल्सो अ इन्वर्टेड कोमा, बट आई एम जो होता है दैट इज आई एम, आई और एम के बीच में भी कोमा आता है, तो हमारे लिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है. आई एम लुकिंग फॉर द की इन द इन्वर्टेड कोमास, कोमा शी सेड, ठीक है. पिक आउट द फ्रेज इन द सेंटेंस, आपको फ्रेज निकालना है इस सेंटेंस में. फ्रेज का क्या मतलब होता है, वो जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, कोई वर्ब नहीं होता, दैट इज कॉल्ड अ फ्रेज. कोई सब्जेक्ट भी नहीं है, कोई वर्ड भी नहीं है. अब मोनिका, मोनिका तो सब्जेक्ट है ना, करता है, सब्जेक्ट है, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये तो नहीं हो सकता. मोनिका प्लेड, यहां पर तो सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, ये भी नहीं हो सकता. प्लेड एट सनसेट, तो यहां प्लेड है जो कि वर्ब है, क्रिया है, काम कर रहे हैं, बजा रहे, तो ये भी नहीं हो सकता. सही क्या हो गया, एट सनसेट, ठीक है. तो फ्रेज क्या हुआ, जहां सब्जेक्ट भी नहीं हो और वर्ब भी ना हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ कंप्यूटर, द पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ अ बेसिक कंप्यूटर सिस्टम डज नॉट इंक्लूड. पेरिफेरल डिवाइसेस, जो एक्सटर्नल डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ अटैच की जाती हैं, जिनके बिना भी कंप्यूटर काम कर सकता है, उन्हें पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं. आपको पूछने जो नहीं है, आपने पहले ही क्वेश्चन पेपर पे अंडरलाइन कर देना है की वर्ड्स को, नॉट अंडरलाइन किया, ठीक है. प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू. प्रिंटर के बगैर काम कर सकता है, यस कर सकता है, पेरिफेरल डिवाइस है. कीबोर्ड, यस कर सकता है, हम माउस से, हम स्टाइलस से, हम टच स्क्रीन से काम कर सकते हैं. मॉनिटर, मॉनिटर भी क्या कहेंगे आप, मॉनिटर के बगैर भी आप डिफरेंट तरीके की स्क्रीन्स यूज हो सकती है, तो उसके बगैर भी हो सकता है. सही क्या है, सीपीयू, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, उसके बगैर कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, ठीक है, इनबिल्ट है, अटैचमेंट है. सीपीयू इज नॉट अ पेरिफेरल डिवाइस. सो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू. कंट्रोल, शिफ्ट एंड ऑल्ट आर नोन एज, ये हमने पहले भी बहुत बार सॉल्व किया है एमसीक्यूज में कंप्यूटर्स के.
ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। कौन सी कीज कहते हैं इनको? इनको कहते हैं मॉडिफायर। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे मॉडिफायर के साथ इनको एक और नाम से बोला जाता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इनको क्या कहते हैं। और वायरलेस माउस कम्युनिकेट थ्रू, जो वायरलेस माउस होता है, एक तो वायर के साथ कंप्यूटर के साथ अटैच होता है, वायरलेस माउस जो है वो किस तरह से सिग्नल्स देते हैं? रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, रेड वेव्स, माइक्रोवेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। तो ये आप याद रखें कि जो वायरलेस माउस है वो रेडियो वेव्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। हार्डवेयर इंक्लूड, हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर में क्या क्या आता है ये आपको पूछ रहे हैं। ऑल डिवाइसेस यूज्ड टू इनपुट डाटा इनटू कंप्यूटर, वो सब डिवाइस जिसे हम डाटा कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट अ कंप्यूटर रन्स और एग्जीक्यूट, तो ये तो डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ना, जिसके बेस पे कंप्यूटर काम करता है, तो ये तो हम पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं। All devices involved processing information including CPU, memory, storage. तो memory, storage ये सब भी आपका जो है हार्डवेयर में नहीं आता, कुछ हार्डवेयर में आते हैं, कुछ चीजें नहीं आती, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। सो ऑल डिवाइसेज यूज टू इनपुट डाटा, वो सब डिवाइस जिसमें सिर्फ डाटा इनपुट के लिए यूज होते हैं, या द मॉनिटर एंड ऑल डिवाइसेज कनेक्टेड टू इट दैट आर यूज टू इनपुट एंड आउटपुट डाटा। तो ज्यादा बेटर क्या है, यहां तो सिर्फ इनपुट डिवाइसेस की बात हो रही है, यहां आउटपुट डिवाइसेस की भी बात हो रही है। अब जैसे प्रिंटर है वो भी हार्डवेयर है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। सो सही हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। द डिस्क स्टोर इंफॉर्मेशन इन, डिस्क जो है किसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, ये भी हम बहुत बार सॉल्व कर सके हैं, कर चुके हैं, और ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था किस तरह से होता है। सो दैट इज इन ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एन इन एमएस वर्ड, दिस की कॉम्बिनेशन इज यूज टू, किसके लिए ये की कॉम्बिनेशन यूज होता है? ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एन, सो ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एन जो है दैट इज यूज फॉर असेंबलिंग मेल मर्ज रिजल्ट इन टू अ डॉक्यूमेंट। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन बुकर्स प्राइज, आपको बताना है पहला भारतीय जिसने, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द बुकर प्राइज, पहला भारतीय जिसको बुकर प्राइज मिला। धान गोपाल मुखर्जी, निराज सिंह चौधरी, अरुंधति रॉय, अरविंद अडिका। सो फर्स्ट बुकर प्राइज जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, ये एक नॉवल लिखा था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, 1997 में मिला था अरुंधति रॉय को, 1997 में, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। हेबस कार्पस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द गिवन पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हेबस कार्पस किसके साथ रिलेटेड है? प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज। सो हेबस कार्पस जो है आर्टिकल 32 में है फंडामेंटल राइट्स के अंडर, इट्स अ वन टाइप ऑफ अ रिट, रिट का मतलब है टू हैव द बॉडी। विच सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, किस गवर्नमेंट को, किस सरकार को वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है? प्रेसिडेंशियल, मोनार्की, पार्लियामेंट्री या ओलिगार्की। तो यूके में वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को कहा जाता है वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड ऑन, गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड ऑन, गांधी इरविन जो कि महात्मा गांधी और इरविन के बीच में साइन हुआ था, जिसके चलते सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था गांधी जी ने, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को ख़त्म किया था, और जो भी लोग इस मूवमेंट के चलते जेलों में बंद हुए थे उन्हें भी रिहा करने की बात को माना गया था। ये किस दिन साइन हुआ था ये आपको बताना है। सो दैट वॉज साइन ऑन मार्च 5, 1931। इन विच ईयर वॉज द इंडियन होम रूल सोसाइटी फाउंडेड, होम रूल सोसाइटी की बात हो रही है, होम रूल लीग की बात नहीं हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है, होम रूल सोसाइटी की बात हो रही है जो लंदन में एस्टैब्लिश हुई थी, एंड दैट वाज इन 1905, ठीक है। 1911 की अगर हम बात करें तो होम रूल लीग हुई थी जो तिलक और एनी बेसेंट ने बनाई थी, वो लीग है, यहां पे होम रूल सोसाइटी की बात हो रही है, तो ये 1905 में फाउंड हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर इज करेक्टली मैच विद देयर एसोसिएशन पार्टी बुक्स न्यूज़पेपर, तो आपको मैच बताना है, देवेंद्रनाथ टैगोर यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया पे रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ आर्टिकल्स लिखे थे और मोस्टली ये एसोसिएटेड है गांधी के साथ, तो ये तो नहीं होगा। एम के गांधी, गीतांजलि, नहीं, गीतांजलि किनके साथ है? रविंद्रनाथ टैगोर के साथ। हाँ, बाल गंगाधर तिलक जो है केसरी और महारत्न, दो उन्होंने जो है न्यूज़पेपर्स आप कहें वो निकाले थे, एक केसरी और एक महारत्न, तो ये दोनों ही बीजी तिलक के साथ एसोसिएटेड है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी।
आई होप मैं बहुत ज़्यादा तेज नहीं बोल रही हूँ. ओके, सो बहुत से क्वेश्चंस हैं तो इसीलिए थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे. द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विच कॉज विंटर रेन इन इंडिया. वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज जो कि सर्दियों में बारिश करते हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? वो होते हैं वेस्ट एशिया से. ठीक है, मेडिटेरेनियन सी से ओरिजिनेट होते हैं, वेस्ट एशिया से आते हैं. विच ऑफ दिस इज नॉट अ खरीफ क्रॉप? सो वीट है, रबी क्रॉप है. ठीक है, तो पहले ही आ जाएगा, हमारे सामने ही आंसर है. ठीक है, सो दैट इज वीट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? नॉन मेटल पूछ रहे हैं. मेटल तो मरकरी होता है जो रूम टेम्परेचर पे रहता है. नॉन मेटल कौन सा है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है? सो दैट इज ब्रोमीन. कौन सा है वो? ब्रोमीन. साइंस से ये क्वेश्चन है तो दैट इज ब्रोमीन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है रीजनिंग के. सो रीजनिंग के हम स्किप करेंगे और आगे बढ़ेंगे जीएस के क्वेश्चन की तरफ. जस्ट अ सेक. ओके, चलिए तो जीएस के क्वेश्चन आते हैं. सो क्वेश्चन है, द फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड इन विच सिटी? पहला या एशियन गेम्स कौन से देश में हुआ, कौन से राज्य सिटी में हुआ, ये आपको बताना है. फर्स्ट एशियन गेम वॉज हेल्ड इन विच सिटी? बताइए अपना सही आंसर. जस्ट अ सेक. यस, हाँ, ब्राजील, हैदराबाद, बैंकॉक या न्यू दिल्ली. सो फर्स्ट एशियन जो गेम्स थी वो हेल्ड हुई थी न्यू दिल्ली में. कहां हुई थी? न्यू दिल्ली में. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज भटकाल लेक लोकेटेड? भटकाल लेक जो है वो किस आप एक तरह से कहें स्टेट में लोकेटेड है? महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा या गुजरात? सो दैट इज लोकेटेड इन हरियाणा. हरियाणा में लोकेटेड है ये. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? आपको बताना है कौन सा जो प्रोजेक्ट है वो करेक्टली मैच है, ये आपको ऑप्शंस में से बताना है. तुलबुल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश, सिरिसलेम प्रोजेक्ट तमिलनाडु, पापानासम प्रोजेक्ट कर्नाटका, उकाई प्रोजेक्ट गुजरात. सो उकाई प्रोजेक्ट जो है दैट इज इन द उकाई प्रोजेक्ट जो है वो सिचुएटेड है गुजरात में. सो दैट इज ताप्ती रिवर पर ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो ये एकदम सही है. ठीक है, सो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा गुजरात. तुलबुल प्रोजेक्ट की बात करें तो यू नो दैट इज इन द जस्ट ओके. तुलबुल प्रोजेक्ट जो है वो कहां पर है? वो आता है आपका जम्मू एंड कश्मीर में, तुलबुल प्रोजेक्ट. ठीक है, सो ये सही आंसर नहीं होगा. हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज उकाई प्रोजेक्ट. सिरी सलीम की बात करें तो दैट इज इन द कर्नाटका. ठीक है, कर्नाटका में. सो सही ऑप्शन हमारा उकाई प्रोजेक्ट हो जाएगा. कर्नाटका नहीं, सॉरी, आंध्र प्रदेश में. इट इज इन द आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में. ठीक, चलिए, हु वॉज द जस्ट ओके यस क्वेश्चन नंबर 76. हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस? पहला भारतीय जो स्पेस में गया, आपको उनका नाम बताना है. विक्रम अंबालाल, रवीश मल्होत्रा, राकेश शर्मा, नागापति भट्ट. सो सही आंसर है हमारा राकेश शर्मा. ये ऑलमोस्ट आप सब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए. ठीक है, दैट इज राकेश शर्मा. विच थोड़ा सा टिल्टेड है, चलिए. विच डेली न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड इन मराठी बाय बाल गंगाधर तिलक? तो ये हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, जो हमने पहले भी ऑप्शंस में देखा, बीजी तिलक द्वारा कौन सा स्टार्ट किया गया था. इसमें दो हैं, यहाँ पे आई थिंक दोनों ही आने चाहिए. मराठी की बात हो रही है, सो मराठी में कौन सा स्टार्ट किया गया था? दैट वॉज केसरी. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी केसरी. द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वॉज कंपोज इन डैश लैंग्वेज? वंदे मातरम किस लैंग्वेज में कंपोज किया गया था? दो लैंग्वेज उसमें था, संस्कृत और बंगाली. सो सही आंसर क्या होगा हमारा? यहां पर एक ही ऑप्शन है, संस्कृत. तो हम संस्कृत को सही लेंगे. करंटली हमारे 8th शेड्यूल में, टोटल 12 शेड्यूल है, उसमें 8th शेड्यूल में जो है ऑफिशियल लैंग्वेज मेंशन की गई है. कितनी लैंग्वेजेस हैं? 24, 21, 22 या 20? सो टोटल लैंग्वेज आर 22. 22 टोटल लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज. हु वॉज द सेकेंड वुमेन रूलर ऑफ कश्मीर? कश्मीर की सेकेंड वुमेन रूलर कौन थी? रानी दुर्गावती, दीदा, सुगंधा या यशोवती? तो उत्पाला डायनेस्टी से ये बिलोंग करती हैं, और ये थी सुगंधा, जो कि कश्मीर की सेकेंड वुमेन रूलर कहलाती हैं.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट हबा खातून? हबा खातून के बारे में तीन स्टेटमेंट्स दी गई हैं, कौन सी दो स्टेटमेंट उनकी सही है ये आपको बताना है. शी इज कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर. हर रियल नेम वॉज जून. शी वॉज अ ग्रेट पेंटर. तो नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर तो उन्हें कहा जाता है और उनका जो नाम है दैट इज ऑल्सो रियल नेम इज जून, बट वो ग्रेट पेंटर नहीं थी. तो थ्री हमारी एलिमिनेट हो जाती है. सो ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, नन भी नहीं होगा, वन भी नहीं. ऑप्शन नंबर बी ओनली वन एंड टू. शीतल देवी अ स्पोर्ट पर्सनैलिटी, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रही है रिसेंटली. आपको बताना ये किस से रिलेटेड है, किस स्पोर्ट से जुड़ी हुई है, जैवलिन, आर्चरी, शूटिंग या जूडो. सो ये जुड़ी है आर्चरी. ये बहुत आपने न्यूज में देखा होगा, इनके फोटोज भी देखे होंगे, प्रधानमंत्री मोदी भी इनसे मिले थे. ठीक है, तो इन्हें एक और अवार्ड भी मिला है, ठीक है, स्पोर्ट्स की कैटेगरी में. तो ये किस से रिलेटेड है, आर्चरी से रिलेटेड है शीतल देवी. इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइन ऑन विच डेट? तो इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई थी ये भी हमने बहुत बार सॉल्व किया है, दैट इज 19 सितंबर 1960. साल के साथ साथ आपको डेट भी याद रखनी है. ओके, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, भारत रत्न, सो इसे विल स्किप. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. द जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल, ठीक है, जिसके चलते कोड़ी ब्रिज जो है वो भी बनाया गया, ठीक है, हाइएस्ट ब्रिज, रेलवे ब्रिज जिसे आप कहते हैं, ठीक है. सो बक्कल और कोड़ी के बीच में रियासी डिस्ट्रिक्ट में, वो भी इसी रेल लिंक का पार्ट है. जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो है वो किसका प्रोजेक्ट, किस चीज प्रोजेक्ट का पार्ट है? उधमपुर रेल लिंक प्रोजेक्ट का, जम्मू कश्मीर रेल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, इंडियन रेलवे जम्मू डिवीजन प्रोजेक्ट का, या कश्मीर रेल प्रोजेक्ट का? सो दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर रेल प्रोजेक्ट. अगेन हाउ रीजनिंग क्वेश्चंस. Okay. Yes. Which democratic institution plays a key role in representing the people's will in Indian government? कौन सा ऐसा democratic institution है जो लोगों की will को present करता है? Supreme Court, Election Commission, Parliament, National Human Rights Commission. तो वो institution होगा जहां पे लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाते हैं. तो वो कहां जाते हैं? वो लोकसभा और राज्यसभा में जाते हैं. तो that is Parliament. Parliament ही लोगों की will को दिखाता है, दर्शाता है. The Pyrenees माउंटेन आर लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ, ये माउंटेन किस दो कंट्रीज के बॉर्डर्स पर है? रोमानिया बुल्गारिया, नॉर्वे स्वीडन, हंगरी रोमानिया, फ्रांस स्पेन. सो दिस इज लोकेटेड बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन, फ्रांस और स्पेन के बीच में है ये. कीर्ति प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? कीर्ति स्टैंड फॉर खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम. ठीक है, कीर्ति का क्या फुल फॉर्म है? खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम. ठीक है, खेलो इंडिया है तो साफ है दैट इज स्पोर्ट्स, ये है स्पोर्ट्स से रिलेटेड. गोवर्धन स्कीम कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? गोवर्धन स्कीम, ठीक है, जहां पे जो वेस्ट मटेरियल काउ का है उससे आपको जो फ्यूल बनाया जाता है उससे मैन्योर बनाया जा रहा है उसकी तरफ फोकस किया जा रहा है. तो गोवर्धन, ठीक है, ताकि जो इनकम है फार्मर्स की वो बढ़ सके. सो किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग. सो इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है ये, अंडर आता है ये गोवर्धन स्कीम. व्हाट डज इट मीन इफ अ कंट्रीज बैलेंस ऑफ ट्रेड इज जीरो? अगर कोई ये कहता है कि कंट्री का बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो जीरो है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ना ही कंट्री के पास किसी का उधार है और ना ही किसी को उधार देना है. ठीक है, ना ही इंपोर्ट ना ही एक्सपोर्ट, किसी में भी बैलेंस नहीं है, एकदम बराबर है. ठीक है, सो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स आर इक्वल. रमल्लो राम, रिसेंटली इनको मिला है पद्मश्री. रामल्लो राम जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं. किस चीज में मिला है? कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट, बसोली पेंटिंग, स्पोर्ट्स, डोगरी फोक डांस. सो रामल्लो राम को मिला है डोगरी फोक डांस के लिए पद्मश्री. हाउ मेनी सेक्शन आर देयर इन आरटीआई एक्ट? आरटीआई एक्ट में कितने सेक्शन है? 30, 31, 36, 28. सो आरटीआई एक्ट में टोटल सेक्शंस की अगर हम बात करें तो दे आर टोटल 31 सेक्शंस. कितने सेक्शन हैं? 31 सेक्शन आर देयर इन आरटीआई. क्वेश्चन नंबर 97, शिवखोड़ी. शिवखोड़ी जो फेमस श्राइन है शिवजी भगवान का, वो कहां पर स्थित है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में? रियासी, श्रीनगर, पुलवामा, रामबन. सो दैट इज इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट, रियासी डिस्ट्रिक्ट में है वो.
98. Which of the following garden is known by the name of Siraj Bagh? कौन से garden को Siraj Bagh भी कहा जाता है? निशान बाग, शालीमार बाग, tulip garden या गुलमर्ग? So that is tulip garden. प्रताप कनाल एंड रणबीर कनाल वर बिल्ड बाय. तो पहले रणबीर सिंह आए थे, उसके बाद आए प्रताप सिंह. सो जो सही आंसर होगा दैट विल बी द प्रताप सिंह. ठीक है, क्योंकि रणबीर सिंह तो प्रताप सिंह के नाम से बनाएंगे नहीं, क्योंकि वो उनके सक्सेसर हैं. सो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रताप सिंह. विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज ऑल्टरनेटिवली नोन एज सलीम अली पार्क. सलीम अली पार्क को और किस नाम से जाना जाता है? सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, डचगम नेशनल पार्क. तो सलीम अली पार्क को जाना जाता है सिटी नेशनल पार्क के नाम से, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क. सो दैट वाज अबाउट द टेस्ट 5. हमने रीजनिंग को छोड़ के बाकी सारे कॉम्पोनेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, उनके एनालिसिस किया है. आई होप आपको इन क्वेश्चंस से बेनिफिट हो, आपको आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प मिले. सो दैट इज इट फॉर टुडे सेशन. कल आप लोगों का एग्जाम है, ऑल द वेरी बेस्ट. अपने आप ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखिए, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है और आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा. सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड.